I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. आगे ही बढ़ता रहता हूं, रुक जाना या पलट कर देखना मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। मैं एक बार जहां से गुजर जाता हूं वहां दोबारा लौट कर नहीं आता, किंतु बर्बरी महाभारत का एक ऐसा महान पात्र है जिसने अपने चरित्र के बल से एक बार मेरी प्रकृति भी बदल कर रख दी। उसने मुझे भी लौटने और अपने आप को दोहराने पर विवश कर दिया। बर्बरीक महाभारत का युद्ध आरंभ होने से कुछ ही दिन पहले कुरुक्षेत्र आया था, इसलिए अपना चलन छोड़कर स्वयं मुझे भी उसके साथ युद्ध आरंभ होने से पहले के दिनों की ओर लौटना पड़ा। और जब मैं युद्ध आरंभ होने से पहले उस स्थान पर लौटा जहां बर्बरीक खड़ा था, तो फिर सारे दृश्य का बदल जाना स्वाभाविक ही था। मेरे वापस आते ही वो संसार एक बार फिर जी उठा जो युद्ध की ज्वाला में जलकर भस्म हो चुका था। वो सारे पात्र एक बार फिर से सांस लेने लगे जो मृत्यु की गहरी नींद सो चुके थे। मुझे बर्बरीक की कथा इसलिए भी सुनानी पड़ी कि उसने महाभारत के युद्ध से पहले ही
ऐसा महान संकट खड़ा कर दिया था जो किसी भी भांति महाभारत के युद्ध से कम नहीं था। बर्बरीक एक ऐसी दुधारी तलवार था जिसकी काट से न पांडु पक्ष बच सकता था और न कुरु पक्ष। इसलिए केवल मुझे ही नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण को भी द्रौपदी के पूछने पर यह बताना पड़ा कि बर्बरी कौन है, क्यों आया है, उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा कौन सा वरदान है जिसके कारण वातावरण में इतनी हलचल मची हुई है। पांडव पक्ष क्यों ये समझ रहा था कि उनका अपना पौत्र ही उनके लिए महान संकट बन सकता है, और कुरुपक्ष भयभीत था कि बर्बरीक उनके सर्वनाश का कारण बन जाएगा। किंतु ये सब तो तब हुआ जब बर्बरी एक महान शक्ति और वरदान से लैस होकर वापस आया। उसका जन्म तो पांडु परिवार के लिए एक उत्सव और दुर्योधन के लिए केवल एक और शिशु का जन्म भर था। इसीलिए उसने गांधारी और विदुर की ये सलाह मानने से इनकार कर दिया कि पांडव परिवार को पौत्र से मिलने का अवसर देने के लिए द्यूत क्रीड़ा कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भाभी श्री। आयुष्मान भव विदुर जी। अनुज विदुर। हां भ्राताश्री। प्रणाम करते समय तुम्हारे स्वर कंपन से तुम्हारे हृदय का हर्ष छुपाए नहीं छुप रहा था। हां भ्राताश्री, आप ठीक कह रहे हैं। जीवन इतना जटिल हो चुका है कि थोड़े से हर्ष का आभास होते ही स्वर में कंपन पैदा हो जाती है। तुम बहुत प्रसन्न लग रहे हो। हाँ भ्राताश्री, मैं बहुत प्रसन्न हूं। समाचार ही इतना हर्षदायक है कि यदि आप भी सुनेंगे तो गदगद हो उठेंगे। अच्छा, क्या पांडवों ने क्षत्रिय धर्म की परंपरा तोड़ दी है? क्या उन्होंने युद्ध क्रीड़ा में भाग लेने से इनकार कर दिया है? यदि ऐसा है तो सचमुच ही यह शुभ समाचार है पितर। नहीं भ्राताश्री, पांडव तो द्यूत क्रीड़ा के निमंत्रण को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, और फिर उनसे क्षत्रिय धर्म को तोड़ने की आशा कैसे की जा सकती है? तो फिर क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? भ्राताश्री, उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया है। कुलवधू मौरवी ने एक बालक को जन्म दिया है। पुत्र भीम तो अब दादा और आपर में तो परदादा बन गए हैं। यह भी कोई शुभ समाचार हुआ विदुर? शुभ समाचार क्यों नहीं हुआ अरे पुत्र? मोरवी का पुत्र हमारे वंश का पहला परपोत्र है। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस प्रसन्नता का श्रेय भी देवकी नंदन को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मोरवी और घटोत्कच का जोड़ मिलाया था। माता और शिशु कुशल तो है ना विदुर जी? हाँ भाभी श्री, वो सब ठीक है। प्रणाम महाराज। आपने शुभ समाचार सुना भ्राताश्री? सुना बहना, अवश्य सुना। पांडवों के विषय में तो कोई भी समाचार, शुभ या शुभ, मेरे कान बहुत दूर से सुन लेते हैं। विदुर जी, शिशु का नामकरण हो गया क्या? हाँ, बालक के सर पर घने और घुंघर वाले बाल होने के कारण वधु हिडंबा ने उसका नाम बर्बरीक रखा है। बर्बरीक हमारी सूची में एक और नाम बढ़ गया है। ये क्या भ्राताश्री, क्या क्या नवजात शिशुओं को भी
शत्रु माना जाने लगा है। मेरा तात्पर्य ये नहीं था बहना, मैं तो ये कहना चाहता था कि कुरु वंश में एक और सदस्य की वृद्धि हो गई है, कितना शुभ समाचार है। अवश्य है, मेरा तो जी चाहता है कि मैं अब भी जाकर उसे देखाऊं। तुम बड़ी भावुक हो बहना, अपनी भावुकता में ये भी भूल गई हो कि अपनी इच्छा से तुम अपने पति देव के नेत्रहीनता की भागीदारनी बनी हो। तुम तो उस शिशु को देख भी नहीं सकती। देख नहीं सकती तो क्या हुआ? अरे पुत्र, मैं उसे छू तो सकती हूँ ना, कुलेल तो सुन सकती हूँ उसकी, गोद में उठाकर चूम तो सकती हूँ उसे। मैं तुम्हारी ममता भावना को समझ रहा हूँ गांधारी, किंतु परिस्थितियां हम सबको ऐसे मोड़ पर ले आई हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते। अरे पुत्र विदुर, पुत्र भीम तो इस समय अपने परिवार के साथ ही होगा ना? कहां है भ्राताश्री? दूत क्रीड़ा के कारण पुत्र भीम के पास समय ही कहां है कि अपने पोत्र का मुख देख पाए। ये तो बड़ा अन्याय है, परिवार में पहला परपोत्र हुआ और भीम उसे देखने भी नहीं जा सकता। मेरा मन व्याकुल हो रहा है, कैसा अत्याचार है आर्य पुत्र ये। परंतु किया ही क्या जा सकता है गांधारी? किया तो बहुत कुछ जा सकता है भ्राताश्री, किंतु उसके लिए थोड़े से मनोबल की आवश्यकता है। हाँ तो विदुर, क्या किया जा सकता है? यदि थोड़े समय के लिए द्यूत क्रीड़ा को टाल दिया जाए तो पुत्र भीम भी अपने पोत्र का मुख देख सकता है। तुम कैसी बात कर रहे हो अनुज? ठीक ही तो कह रहे हैं विदुर जी, द्यूत क्रीड़ा बाद में भी हो सकती है आर्य पुत्र, शिशु का जन्म रोज रोज तो नहीं होता। तुम लोग सदैव ही उल्टी बात करते हो, द्यूत क्रीड़ा कैसे टल सकती है? पुत्र दुर्योधन तो उसका समय भी निश्चित कर चुका है। तो क्या हुआ? पुत्र दुर्योधन युवराज है, महाराज आप हैं, आप समय बदल दीजिए तो किसमें साहस है कि आपकी बात को टाल सके। किंतु पुत्र युधिष्ठिर भी तो निमंत्रण स्वीकार कर चुका है गांधारी, वो क्षत्रिय परंपरा को तोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं होगा। परंपरा परंपरा परंपरा, क्या क्या ही परंपराएं तोड़ी नहीं जा सकती, और वो भी द्यूत क्रीड़ा जैसी दुष्ट परंपरा जिसका परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अरे पुत्र, तुम्हें दूसरों की बड़ी चिंता है गांधारी, अपने पुत्रों का कोई ध्यान नहीं है। जानती हो, यदि द्यूत क्रीड़ा में बाधा डाली गई तो दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा। क्या तुम चाहती हो कि हम अपने पुत्र से हाथ धो लें? मैं ऐसा कब कह रही हूँ आर्य पुत्र, मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए द्यूत क्रीड़ा टाल दी जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहना? द्यूत क्रीड़ा भला अब कैसे टल सकती है? सारी तैयारियां हो गई हैं, और ये मेरे पास से अपना चमत्कार दिखाने के लिए इतने व्याकुल हैं कि बार बार मेरे हाथों से फिसले जाते हैं। बहना, तुम भी इनका चमत्कार देखोगी ना तो दंग रह जाओगी। बड़े उत्सुक दिख रहे हैं प्राताश्री, आप अपनी उत्सुकता में ये भूल चुके कि मैं अपनी इच्छा से अपने पति की नेत्रहीनता की भागीदार बनी हूं। मैं आपके पासों का चमत्कार नहीं देख सकती, और कदाचित इच्छा भी नहीं है कि मैं उस विनाश को देख सकूं जिसने आपके पासों के चमत्कार का भेष ही बदल रखा हो। किस विषय पर वाद विवाद चल रहा है पिताश्री? कुछ नहीं पुत्र, समाचार मिला है कि पुत्र भीम के घर पौत्र ने जन्म लिया। तो द्यूत क्रीड़ा के कारण पुत्र भीम अपने पौत्र को देखने नहीं जा पा रहा। तो
तो ये कौन सा चिंता का विषय है पिताश्री? पौत्र तो आ ही चुका है, भीम अपने पौत्र को देखने द्यूत के बाद भी तो जा सकता है। लेकिन पुत्र, हम सोच रहे थे यदि द्यूत क्रीड़ा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती तो पुत्र भीम को अपना पौत्र देखने का अवसर मिल जाता। क्यों स्थगित कर दी जाए द्यूत क्रीड़ा? इसलिए स्थगित कर दी जाए पुत्र कि परिवार में पहला परपोत्र हुआ है, इसलिए सारे परिवार को एकत्र होना चाहिए। संसार में आए दिन अनगिनत शिशु जन्म लेते हैं माताश्री, परंतु उनके कारण संसार का सारा काम काज स्थगित तो नहीं कर दिया जाता। किंतु पुत्र, किंतु विंतु कुछ नहीं काकाश्री। संसार चाहे इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, परंतु द्यूत क्रीड़ा नहीं टल सकती। हाँ, यदि पांडव चाहें तो अपने हर्ष को बहाना बनाकर द्यूत क्रीड़ा स्थगित कर सकते हैं, अपने शिशु के जन्म का उत्सव मनाए ना आए द्यूत क्रीड़ा में। परंतु ये कैसे संभव है प्रिय भांजे? वे लोग भी तो क्षत्रिय हैं, अपने धर्म को वे लोग भी नहीं तोड़ेंगे। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि किसी का जन्म ही तो हुआ है, कोई मृत्यु थोड़े हुई है। और जन्म तो स्वयं एक उत्सव होता है, और ऐसे उत्सव को मनाने के लिए तो द्यूत क्रीड़ा का आयोजन और भी बड़े स्तर पे होना चाहिए, है ना भांजे? पिताश्री, मामा श्री का परामर्श सही है। द्यूत क्रीड़ा को स्थगित करने का परामर्श देने वाले सुन ले, द्यूत क्रीड़ा होगी और वो भी अपने निर्धारित समय पर। दुर्योधन अभिमान से ठुकराता है प्यार, उसके मन पर द्यूत है बन कर भूत सवार, बन कर भूत सवार। मझले भैया की अपने परिवार से मिलने की इच्छा पूरी ना हो सकी, उन्हें क्या पता था कि द्यूत क्रीड़ा से जो मार्ग निकलेगा वो उन्हें उनके राजभवन नहीं बल्कि वन की ओर ले जाएगा। शकुनी के पासों ने पहले उनसे उनका धन छीना, फिर राज्य, अंत में वो भी छीन लिया जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की नींव होता है, नारी का सम्मान। और उसके पश्चात जो हुआ वो वही था जो नारी सम्मान खोने वालों के साथ होना चाहिए। पांचाली, विधाता की हर बात के अंदर कोई ना कोई आदेश अवश्य ही छिपा होता है। यदि ऐसा ना होता तो संसार को इसका ज्ञान कैसे होता कि द्यूत क्रीड़ा वास्तव में एक अभिशाप है। पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा में हार कर आने वाली पीढ़ियों को उसके दुष्परिणामों की चेतावनी दे दी है। पांडव वन में भटकते रहे और इधर बर्बरीक ने पालने से निकलकर किशोरावस्था में पग रखा। प्रणाम दादी श्री, हमें धनुर्विद्या का अभ्यास कराइए ना। अवश्य पुत्र, किंतु एक बात का ध्यान रखना, ये बात तुम्हारे दादा श्री अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कही थी, जब उन्होंने तुम्हारे दादा श्री से उनके लक्ष्य के बारे में पूछा तो तुम्हारे दादा श्री ने उत्तर दिया कि मुझे पक्षी की आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तुम्हें भी ये सदैव स्मरण रखना होगा पुत्र कि जब भी अपना लक्ष्य साधो तुम्हें अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। वो सामने पेड़ की शाखा तुम्हारा लक्ष्य है,
जाओ, जाके लक्ष्य साधो। जाइए भाव। यशस्वी भव, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा पुत्र धनुर्विद्या में अपने दादा श्री अर्जुन की बराबरी करेगा और जीवन का मूल तत्व भी यही है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। डिंबा प्रणाम महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। हमारे अहोभाग्य कि आपने दर्शन दिए। पुत्र महर्षि को प्रणाम करो। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आओ पुत्र। महर्षि पांडवों का क्या समाचार है? अधिक शुभ नहीं। कौरवों की ओर से आए दिन उनके विरुद्ध कोई नया छल सामने आता है। धृतराष्ट्र तो जन्म से ही नेत्रहीन है, किंतु दुर्योधन को लोभ और ईर्ष्या ने अंधा बना दिया है। इस अंधेपन के कारण उसका हर पग विनाश की राह पर उठ रहा है। दुर्भाग्य तो यह है देवी कि दुर्योधन ये नहीं समझ पा रहा है कि लोभ और ईर्ष्या की ये अग्नि एक दिन स्वयं उसे भस्म कर देगी। तुम्हारा पौत्र बड़ा पराक्रमी है और परम वीर निकलेगा देवी। इसका जन्म ग्रहों की अति उत्तम दशा में हुआ है। मेरे पौत्र के भविष्य के बारे में कुछ बताइए महर्षि। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये बड़ा होकर शूर वीर बने। वो तो इसे बनना ही है देवी। इसके माथे की प्रतिभा ही बता रही है। इसकी किशोर अवस्था तुम सबके लिए अत्यंत सुखदाई होगी। और युवावस्था? आप चुप क्यों होगे महर्षि? क्या बात है? क्या मेरे पौत्र की युवावस्था में कुछ संकट है? संकट के बिना जीवन निरर्थक है देवी। वो युवावस्था ही क्या जो संकट से जूझे बिना ही बीत जाए। पर इतना जान लो देवी कि कभी कभी भविष्य का ज्ञान भी उन्नति की राह का रोड़ा बन जाया करता है। मैं अपने पौत्र को अपनी राह का हर रोड़ा हटाने का ज्ञान दूंगी महर्षि। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा पुत्र युवावस्था में कोई ऐसा कार्य तो नहीं करेगा जो इसके महान वंश के लिए अपयश और कलंक का कारण बने। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा देवी। ऐसा कदापि नहीं होगा देवी। बल्कि तुम्हारे पौत्र की युवावस्था में कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य घटेगी कि जिससे समस्त संसार उसकी पूजा करेगा। क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है देवी? फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है महर्षि। यदि मेरा पौत्र पूजा का पात्र बनेगा तो अवश्य ही कोई महान और शुभ कार्य करेगा, अपने वंश का गौरव बढ़ाएगा। मैं अपने पौत्र को धनुर्विद्या की शिक्षा स्वयं दूंगी। व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि काले करता जान जिकर्म तू, फल की ओर न देख, फल की ओर न देख।
प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भावा। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। क्षमा कीजिए गुरुवर, आज आपके स्वागत के लिए मैं अकेले रह गई हूँ। मेरे पुत्रों के लिए तो द्युत क्रीड़ा कांत वनवास गमन सिद्ध हुआ। होनी को कौन रोक सकता है? तुम दुखी मत हो पुत्री, तुम्हारे पुत्रों का वनवास दुखदायी अवश्य है, पर यही वनवास उन्हें जीवन, जीवन की यातनाओं, जीवन के सत्य को देखने की एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। दुख की अग्नि में तपकर उनके चरित्र कुंदन बन जाएंगे। कदाचित आप ठीक ही कह रहे हैं गुरुवर, जीवन जो भी रंग बदले उसे तो हंसकर अपना नहीं पड़ता है। जीवन को अपने रंग में रंगने की क्षमता तो हमारे हाथों में है नहीं, किंतु दुख इस बात का है ना पुत्र भीम अपनी पौत्र बर्बरी का मुख देख सका और ना ही आज तक मैं अपने परिवार से मिल सके। किंतु महर्षि आप आ कहां से रहे हैं? कुलवधू हिडिंबा से मिलकर आ रहा हूं पुत्री। अच्छा, तो फिर आपने मेरे परपुत्र बर्बरी को भी देखा होगा? अवश्य देखा, किंतु देखा शब्द बहुत तुच्छ है, मैंने उसके दर्शन किए। अच्छा, कैसे लगते हैं वो दिखने में? चंद्रमा की शीतलता और सूर्य का तेज मिलकर यदि मानव रूप धारण कर ले तो वो बिल्कुल बर्बरीक जैसा होगा। पता नहीं मेरे भाग्य में अपने परपोत्रों का मुख देखना लिखा भी है या नहीं। तुम अवश्य देखोगी पुत्री। किंतु कब देखूंगी? मेरे पुत्रों का वनवास समाप्त होने तक तो वो भी बड़ा हो चुका होगा। अच्छा महर्षि, ये तो बताइए वो बड़ा होकर क्या बनेगा? आपने तो उसकी भाग्य रेखा भी पढ़ ली होगी, क्या वो मेरे पुत्र जैसा होगा? उनसे भी अधिक, उनसे भी बड़ा वीर सिद्ध होगा। मुझे उसके भविष्य के विषय में और बताइए, मैं उसके विषय में सब कुछ जानना चाहती हूँ। भविष्य के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने की लालसा अच्छी नहीं होती पुत्री। क्यों महर्षि? क्योंकि ये जानकारी मनुष्य को कर्महीन बना सकती है। यदि किसी को ये पता चल जाए कि उसके भविष्य में सब शुभ ही शुभ है तो वो निश्चिंत होकर कर्म की डगर छोड़ देगा, और यदि किसी को ये पता चल जाए कि उसके भविष्य में सब अशुभ ही अशुभ है तो भी वो हताश और निराश होकर कर्म छोड़ देगा। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि सबसे महान कर्म वही है जो फल और परिणाम की चिंता के बिना किया जाए। महर्षि, आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं? मेरे परपोत्रे के भविष्य पर किसी संकट की काली छाया तो नहीं पड़ रही है? बर्बरीक सूर्य की भांति प्रकाशमान है, उस पर यदि कोई छाया भी पड़े तो जलकर राख हो जाएगी। तो फिर आप मुझे और क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं? क्या ये कुछ कम है कि वीरता उसके नाम की सौगंध खाएगी और श्रद्धा उसके चरणों में शीश नवाएगी? उसका अस्तित्व श्री कृष्ण की परछाइयों की भांति। बर्बरीक कहाँ है मोरवी? वही जो संसार में उसके लिए सबसे अधिक मनभावन स्थान है, उसकी दादी माँ की गोद। ठीक कहती हो, दादी और पोत्र को दोनों को एक दूजे के बिना चैन ही नहीं आता। माता श्री के जीवन का सूनापन बर्बरीक ने जिस प्रकार भरा है उस प्रकार तो मैं भी नहीं भर सका था। सच पूछो तो माता श्री जिस तरह उसकी देखभाल शिक्षा दीक्षा कर रही है, मैं तो उसका अंश मात्र भी ना कर पाती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता श्री उसे बहुत वीर और पराक्रमी बनाकर मानेंगी। वो तो अपने पुत्र को बनना ही है, पर बर्बरीक तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि
तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति से मिलकर बना है। देख लेना, बड़ा होकर वो बड़े बड़े योद्धाओं को पल में यूं परास्त करेगा जैसे मैंने तुम्हें परास्त किया था। अच्छा फिर मुझे चिढ़ाने पर आ गए ना? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? मैंने कब कहा? अच्छा तो मौरवी ये बताओ, तुम्हें अपने परास्त होने का दुख तो हुआ होगा? सच कहूँ? एक क्षण के लिए तो अवश्य हुआ था, किंतु वो एक क्षण तो कदाचित यात्रा का वो मोड़ होता है जहां से जीवन एक राह छोड़कर दूसरी राह की तरफ मुड़ जाता है, और वो क्षण मेरे अभिमान का अंतिम मोड़ था। परंतु दूसरे क्षण तो मेरा संसार ही बदल गया था। एक बात और पूछूं? अवश्य पूछो। राजभवन छोड़कर इस वानर कुटिया में आने का दुख तो नहीं है तुम्हें? नहीं है। वहां प्राणहीन पत्थरों और ईंटों का समूह होता है। राजमहल की पथरीली दीवारों से प्यार की सुगंध नहीं फूटती, और इस कुटिया में तो प्यार का बसेरा है। फिर दुख तो तब होता है जब आपका कुछ छूट जाए, कुछ खो जाए। मेरा तो कुछ भी नहीं छूटा है, मैंने तो कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि यहां आकर तो मैंने सब कुछ पा लिया है, वो सब कुछ जिसे मेरा जीवन खोज रहा था। यहां आकर मुझे मां मिली है, मां का प्यार मिला है, जिस अनुभव को मैं तरस रही थी, पति का स्नेह मिला है, जिससे मुझे पहली बार यह आभास हुआ है कि मैं भी किसी के प्रेम के योग्य हूं, मैं भी किसी को प्रेम दे सकती हूं। मौरवी, तब तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम हार गई। बहुत अच्छा हुआ, इसी हार में तो मेरी जीत हुई, क्योंकि जब बर्बरीक ने मेरे जीवन में पांव रखा तो मुझे लगा आपसे हारने के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी, मैं बहुत पहले क्यों ना हार गई। मां बनने से एक स्त्री का जीवन संपूर्ण हो जाता है। जब आप मिले तो मुझे लगा केशव ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और जब बर्बरीक मिला तो मुझे लगा मेरे अर्थहीन जीवन को एक अर्थ मिल गया है, मुझे जीने का एक उद्देश्य मिल गया है। भगवान ने तो माता को बनाया ही इसीलिए है कि स्वयं उसे हर स्थान पर ना रहना पड़े। किंतु ये भी सत्य है मौरवी कि बर्बरीक हमारे जीवन में काका श्री केशव का उपहार है, उसके जीवन पर हमसे अधिक अधिकार तो उनका है। इसीलिए तो मैं उसके भविष्य से निश्चिंत हूँ। मेरा वीर बर्बरीक मेरी शाम की छाया में बड़ा होगा। मैं समय हूँ, कदाचित दादा भीमसेन और समस्त पांडु परिवार के भाग्य में बर्बरीक को बढ़ते हुए देखना नहीं लिखा था। द्यूत क्रीड़ा का दुष्परिणाम धर्मराज युधिष्ठिर से उनकी भूल का पूरा पूरा मूल्य वसूल कर रहा था। ये मूल्य पांडव परिवार को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के रूप में चुकाना पड़ रहा था, और द्रौपदी का दुख तो सबसे बड़ा था। उसे उस अपराध का दंड भोगना पड़ रहा था जो उसने किया तो क्या कभी सोचा भी न था। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसका पौत्र बर्बरीक कैसा है, क्या है, और भविष्य में किस रूप में सामने आने वाला है। और बर्बरीक, वो तो अपनी मायाविनी दादी हिडिंबा और माता मौरवी के प्रेम की छांव में चंद्रकला के समान पड़ रहा था। हिडिंबा ने अपने पौत्र बर्बरीक को एक पराक्रमी योद्धा बनाने की धुन में रात दिन एक कर दिए थे, और उसका ये परिश्रम रंग भी लाया। बर्बरीक उसकी देखरेख में एक ऐसे वीर और पराक्रमी नवयुवक में परिवर्तित हो गया जिसको देखते ही विश्वास हो जाता था कि वीरता और पराक्रम ने मानव रूप धारण कर लिया है।
प्रणाम दादी श्री। धन्य हो पौत्र, तुम मेरी सिखाई विद्या की कसौटी पर पूरे उतरे। आयुष्मान भव, देखा मेरे पौत्र का साहस? जब भी युद्ध भूमि में उतरेगा शत्रुओं के पांव उखड़ जाएंगे। माताश्री, आप जैसी गुरुजी से मिले, खड़क उसकी दासी और वीरता उसकी आगे कारणी बन जाएगी। जुग जुग जियो मेरे लाल। पौत्र, तुम अश्व और धनुर्विद्या में प्रवीण हो चुके हो। दादी श्री, मैं तो इसके भी आगे जाना चाहता हूँ। इसके आगे पौत्र, क्या करना चाहते हो तुम? दादी श्री, मैं संसार में अजय और अपराजित बनना चाहता हूं। पौत्र, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, अब इसके आगे जाना चाहते हो तो कोई गुरु ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो फिर आप ही मुझे बताइए दादी श्री, मैं किसके पास जाऊं और किस गुरु को अपना बनाऊं? ऐसा गुरु तो विश्व में केवल एक ही है। यदि वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। वो कौन है दादी श्री, ये आप मुझे बताइए, मैं जाकर के उनके चरण थाम लूंगा और उस समय तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरा मार्गदर्शन करना स्वीकार नहीं कर लेते। केशव, जिन्हें सब श्री कृष्ण कहते हैं वो तुम्हारे दादा श्री भी हैं। पूज्य पितामह केशव। दादी श्री, हमें ले चलिए उनके पास। तुम तो जानते हो पौत्र, वो जहां है हम वहां नहीं जा सकते। आप तो ले जा सकते हैं उनके पास, तो फिर हमें ले चलिए ना। पुत्र, हर धर्मी नहीं करते। माता श्री, मैं क्यों ना करूं हर धर्मी? क्या मैं उनका पौत्र नहीं? क्या उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं? मैं अवश्य जाऊंगा उनके पास। अच्छा अच्छा पुत्र, ले चलेंगे, समय तो आने दो। मेरे लिए समय आ चुका है पिताश्री, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि आप लोग मुझे नहीं लेके गए तो मैं स्वयं ही चला जाऊंगा उनके पास। सच्चे मन से कृष्ण का जो कर लेता ध्यान, जब जब भक्त पुकारते आ जाते भगवान।